आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मार्केट में अब तक इलेक्ट्रिक ऑटो के सेगमेंट में तीन ऑटो महिंद्रा टेरियो, प्याजो आपे इलेक्ट्रिक और बजाज आरी इलेक्ट्रिक का ही राज चल रहा था, लेकिन अब टीवीएस ने भी काफी टाइम बाद अपना एक इलेक्ट्रिक ऑटो मार्केट में उतार दिया है। तो ये तो टाइम ही बताएगा कि ये ऑटो इन तीनों ऑटो को कितना कॉम्पिटिशन दे पाएगा। आज इस वीडियो में हाल ही में लॉन्च हुए टीवीएस इलेक्ट्रिक ऑटो किंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं मोटर एक्सप्लेन। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस ऑटो को अभी यूपी आगरा में ही लॉन्च किया गया है, बाकी शहरी इलाकों में आने में अभी इसको टाइम लग जाएगा। इस ऑटो के लुक की अगर बात करूं तो जो टीवीएस किंग पेट्रोल और सीएनजी वाले का है वो सेम लुक ही इसमें दिया गया है। बैटरी की बात करूं तो इसमें 9.2 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी है। चार्जिंग टाइम है इसका 3 घंटे का। मोटर मिलती है इसमें 11 किलोवाट की BLDC जो इसे हाईएस्ट टॉप स्पीड देती है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की, जो किसी भी ऑटो में नहीं है। इसमें 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। रेंज की बात करूं जो ARI सर्टिफाइड रेंज है तो वो है इसकी 148 किलोमीटर फुल चार्ज पर। 3 किलोवाट का इसमें चार्जर मिलता है जो 55 एम्पियर की पावर लेता है। और एक बात जो मुझे इसमें खास लगी, इसमें टीवीएस ने खुद की बनाई हुई बैटरी दी है, थर्ड पार्टी की नहीं। टीवीएस ने इसमें दिया है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। इसका काम यह होता है जब आप ऑटो को चलाते रहते हो और उस दौरान ब्रेक को प्रेस करते हो और रेस को छोड़ते हो तो उस वक्त ये बैटरी को चार्जिंग देता रहता है, जिससे कि ऑटो को एक बेहतर माइलेज मिल जाता है। और कंपनी ने इसमें दिया है हील होल्ड असिस्ट सिस्टम। इसका फायदा यह होता है जब आप ऑटो को किसी चढ़ाई वाली जगह पर लेकर जाते हो तो ऑटो कुछ सेकंड के लिए होल्ड होता है, जिससे कि चालक को थ्रोटल देने का टाइम मिल जाता है और ऑटो पीछे की तरफ नहीं आता। अब हम बात कर लेते हैं इसके टायर साइज के बारे में, तो वो है इसका 8 इंच का। 8 इंच का टायर देने का कारण यह है इसकी स्पीड ज्यादा है। ज्यादा स्पीड होने के कारण ऑटो को पलटने का खतरा बना रहता है, तो इसकी रोड प्रेजेंट अच्छी बनी रहे इसलिए कंपनी ने इसमें छोटे टायर दिए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत है 3,29,000 रुपए यूपी आगरा में। कैसा लगा ये ऑटो आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं इरशाद सैफी आपसे विदा लेता हूं, आपसे मिलता हूं आने वाली अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आपका समय अच्छा रहे, धन्यवाद।